अभी देखिए हस्बैंड मेरे ट्राई कर रहे हैं इनसे खिलौना निकलता है कि नहीं निकलता है। हाँ नहीं, आप अच्छे से देख लीजिए और थोड़ा सा साइड करिए। हाँ हो गया, हो गया, ले लेगा, ले लेगा लग रहा है। तो आप करके देखिए ना, टाइम ऑफ हो जाएगा। ओह नो, नहीं मिला, सिंपल चला गया। और ये मेरे हस्बैंड फिर से एक बार ट्राई कर रहे हैं कि शायद इस बार निकल जाए। निकालिए, वही निकल सकता है फिर से। अच्छे से निशाना लगाइएगा। हाँ तो डालिए। हाँ जी, देखिए ये वाला भी ना डूब जाए। ये जान के नहीं लेता, उसमें दांत है ना, इसीलिए। देखिए इतना अच्छे से पकड़ा था। और देखिए आस्था कुछ यूज करती है, कहीं खेलती है कि नहीं खेलती है। और इसमें अक्सर हम लोग का पैसा डूब जाता है, आज तक कभी भी निकला नहीं है। आप लोग से बताते हैं। जाओ खेलो पापा के साथ, जाओ। कहाँ, किस में खेलना बता दो। जाओ किस में, इसमें, इसमें, उसमें बैठना है। कार में बैठो, बैठो। डर नहीं रही है, नहीं डर रही है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आस्था फैमिली ब्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, सिर्फ पट वाला यहाँ आ गया है। और कैसे हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर। हम तो अच्छे हैं। और आज फिर एक दिन छोड़ के इंजेक्शन रहता है ना, तो आज इंजेक्शन लेने आए थे, उसका काम हो गया। उसके बाद हम अपने हस्बैंड को बोले कि हमको वो खाना है, समोसा। अभी तो जब हम अपने हस्बैंड को बोले कि हमको समोसा खाना है, तो जिस रेस्टोरेंट में हम लोग जाते हैं वहाँ नहीं गए, क्योंकि 5 बज रहा था, सबका छुट्टी होता है काम लोग का, वहाँ काफ़ी इंडियन आने लगते हैं। तो आज मेरे हस्बैंड ले गए थे हमको रॉयल इंडियन रेस्टोरेंट, फर्स्ट बार हम लोग गए थे वहाँ। गए अंदर तो चले गए, और उसके बाद जब वहाँ का बिल देख रहे थे मेन्यू कार्ड में, हर एक चीज़ का बिल डबल से भी ट्रिपल लग रहा था, जैसे कि वहाँ रेस्टोरेंट में कोई आता नहीं है, सारा बिल हम ही से ले लेंगे वो लोग। हम रेस्टोरेंट में जब खा लिए, सब कुछ खा के बिल दिए, तो हम भैया को बोल दिए। बोले भैया आप ऐसा ले रहे जैसे लग रहा है सोना चांदी खिला रहे हैं, एक बार आपके रेस्टोरेंट में जो आ जाएगा दोबारा नहीं आएगा। आप सोचिए, छोटा बॉटल पानी जो कि 7 में आराम से 6 रुपये में मिलता है, 6 बाट में मिलता है, वो हमको 25 बाट में एक बॉटल पानी दिए। और एक बॉटल पानी से होगा क्या? कुछ होगा नहीं, 2-3 बॉटल पानी भी लग जाता है। उसके बाद से एकदम नॉर्मली समोसा 60 बाट का है, और नान रोटी 80 बाट का एक। हम बोले आपका बिल बहुत ही ज़्यादा है। फिर भी गए तो खाए। जब रेस्टोरेंट के अंदर चले गए तो फिर वापस तो आएंगे नहीं। मेरे हस्बैंड बोले खा लो, लेकिन देख लो कि कितना ठग रहा है। और फ्रेंड आ गए हैं बिक्सी शॉपिंग करने के लिए। और देखिए आज क्या क्या शॉपिंग होता है। आस्था का दूध वगैरह नहीं है, और काफ़ी दिन के बाद हम लोग बिक्सी आए हैं आज। और आस्था देखिए कहाँ दौड़ रही है। और नया साल आने वाला है, नया साल का कुछ शॉपिंग होगा। मेरे हस्बैंड घर के लिए कुछ मीठा वगैरह उसी रेस्टोरेंट से लिए, ठाकुर रेस्टोरेंट से। मेरे हस्बैंड को बेसन का लड्डू पसंद आया था, तो वही लिए हैं। और भी कुछ लिए हैं घर पे खाने के लिए। और देखिए पहला सामान जो हम लोग परचेस किए हैं वो है आस्था। आज आस्था को ख़रीदे हैं। पर यहाँ लेना है आस्था के लिए दूध। हाँ
और अभी लेंगे आस्था के लिए ये दूध पीती है आस्था। डांस करो, और आस्था अपने दूध का डब्बा का टेबल बना लिए। ये लेंगे चोक, आस्था इसको भी खाती है। चिकन का है, लो असल 2000 में चल जाता है। और आस्था के लिए थमंडा वाला चोक लेते हैं बड़ा पैकेट, मगर वो बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है, छोटा वाला नहीं ले जाते, ज़्यादा चलता नहीं है, मगर बड़ा खत्म हो गया। देखिए इसलिए नहीं था, वही काम चलाने बस ले रहे हैं। दो पैकेट ले ले रहे ना, ले रहे कौन रहे? कुटहर वाला है? नहीं गाजर का है। गाजर कोहरा है? नहीं गाजर वाला है जी। ले ले तब तो हुए। यहाँ आए थे हम लोग फ्रिज का रेट मिलाने, सुने थे कि नए साल में सब सस्ता हुआ है फ्रिज, तो हम लोग जो फ्रिज मंगवाए हैं उसका रेट मिला रहे थे। कहाँ कुछ सस्ता कहाँ दिख रहा है, कुछ सस्ता नहीं है। क्या लोगी? फ्रिज लेना है? कौन सा? और आस्था हमको कैसे खींच रही है, देखिए मेरा कपड़ा पकड़ के कि साइकिल खरीद दो। इसका तो डिमांड ही पूरा नहीं होता है। अभी एक साइकिल तो फेंकी है घर में, अभी एक साइकिल घर में फेंका हुआ है ना, नहीं लेना, हम नहीं लेंगे, नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, खत्म साइकिल का पैसा खत्म। मम्मी के पास पैसा खत्म हो गया, पैसा खत्म। शोरूम खोलेगी क्या आस्था घर में साइकिल का? एक साइकिल ले गई ना, और आस्था अपने डैडा से बोलिए अभी ये गाड़ी खरीद दो, बहुत चालू है। और हो गया हम लोग का शॉपिंग, ये रहे मेरे हस्बैंड, और ये देखिए आस्था के लिए रुके हम लोग। आस्था लगी रोने की, हमको दूध पीना है, दूध पीना है, तो अभी हम लोग यहीं बैठ गए हैं मॉल के बाहर ही, आस्था को दूध पिला दें। और इसमें आ रहा था मेरी मम्मी का कॉल, और नया साल है, हर साल की तरह कुछ भी दिख रहा है नहीं, नहीं तो हर साल बहुत ही अच्छे से तैयारी होता था, मॉल वगैरह सब कुछ में तैयारी, इस बार कुछ भी तैयारी नहीं दिख रहा है, सब सुन सन्नाटा है। और कुछ देर में चले जाएंगे घर, बाहर ही थोड़ा अच्छा लगता है, निकलो तो। और छोटा सा वीडियो शूट कर लिए, फ्रेंड आए थे तो सोचे थोड़ा एक छोटा सा वीडियो बना लें, और आपसे फिर मिलेंगे आस्था के दूध के साथ। नास्था सबको अपना दूध दे दो, मेरी लड़की इतनी दुबली है कि बेचारी को सब कपड़ा ढीला हो जाता है। गिर रहा है बाबू का, गिर रहा है, हाय कर दो, हाय कुछ दे दो। अब चलिए फ्रेंड घर चलते हैं, और वीडियो को ब्लॉग यहीं बंद करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और क्या बोले फ्रेंड, फिर आपसे मिलेंगे दूसरे वीडियो में। देखिए आज इंजेक्शन लगा है तो कल थोड़ा सा तबीयत, आज रात से थोड़ा सा सुस्त चलेगा, इसके लिए कल कोई वीडियो नहीं जाएगा, नहीं कल तो ये वीडियो जाएगा, परसों शायद कोई वीडियो ना जाए। और ये बाय कर दीजिए, चलिए फ्रेंड बाय बाय, गुड नाइट, यहाँ पे रात हो चुका है।